हमारे देश का मीडिया किन मुद्दों में व्यस्त है, ये सवाल उठने लगे हैं। लोग मीडिया क्यों सरकार से सवाल करता देखना चाहते हैं, ना कि विपक्ष से। पर मीडिया कुछ ही मुद्दों में सरकार से सवाल करता है और फिर बाद में वह विपक्ष को घेरना शुरू कर देता है। इसी वजह से मीडिया दो हिस्सों में बटा हुआ है। आज आइए हम आज देखते हैं कि दोनों तरफ के मीडिया ने किन मुद्दों को अपने डिबेट में इस हफ्ते उठाया। पहले बात करते हैं NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की। आइए जानते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों को अपनी डिबेट में तवज्जो दी। पहला, हाथरस, विपक्ष दिखता नहीं या विपक्ष कुछ करता नहीं। दूसरा, हाथरस में योगी सरकार की अंधेर करती। तीसरा, क्या बलात्कार की पुष्टि करने में 15 दिन लगते हैं। चौथा, लीडर को लोकतंत्र पसंद क्यों नहीं है। और पांचवा, क्या सरकार मंडियों को खत्म करना चाहती थी। रवीश ने अपनी डिबेट के जरिए सरकार से सवाल ही किए और जो कुछ पुलिस ने हाथरस में किया उस पर टिप्पणी की और सरकार को घेरा भी, इस उम्मीद में कि जो भी देख रहा होगा उसे दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है। देखने की बात इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त अदालत से लेकर प्रशासन में बैठे लोग इसी सवाल से भाग रहे होंगे कि कोई उनसे ये ना कह दे कि आपने हाथरस की बेटी के अंतिम संस्कार का वीडियो देखा। देखा तो आपका क्या कहना है, क्या ऐसा होना चाहिए था, अब आप क्या कदम उठाएंगे। सारी कवायद तो यही थी कि कोई देखे नहीं। हाथरस की पीड़िता का अंतिम संस्कार पुलिस क्यों करा रही थी? क्या इस तरह से अंतिम संस्कार कराना इस मामले में इंसाफ है? क्या इस मामले में अपराधी लड़की थी? ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी चर्चा में आने के बाद प्रशासन ने अपने स्तर पर ऐसा करने का फैसला लिया हो। इतनी रात को अंतिम संस्कार करने के पीछे मंशा क्या रही होगी? क्या यही कि सुबह होने से पहले मामले को रफा दफा कर दिया जाए। अब बात करते हैं News24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को अपनी डिबेट में अहमियत दी। पहला, हाथरस की लड़ाई बीजेपी कांग्रेस पर क्यों आई। दूसरा, हे राम, यूपी में ये कैसा काम, परिवार को रोको, नेताओं को रोको, मीडिया को रोको बस। तीसरा, बेटी की सुरक्षा पर इतना क्यों तकरार, राती होती रहेगी, बेटियां मरती रहेंगी। चौथा, आधी रात को हाथरस में ऐसा क्यों हुआ, क्या देश में बेटी पर सिर्फ राजनीति होगी। और पांचवा, क्या सर्दी में बढ़ने वाला है कोरोना का खतरा, कोरोना की सबसे बड़ी परीक्षा बाकी है। संदीप चौधरी वो मुद्दे उठाते हैं जो मेनस्ट्रीम मीडिया के चैनल नजरअंदाज कर देते हैं। हाथरस में हुई घटना को लेकर अपनी डिबेट के जरिए सरकार से सवाल पूछे। क्योंकि क्या है कि आपने एक नैरेटिव बना लिया है। 14 तारीख की घटना हुई, या तो आपके संवाददाता ने आपको ठीक से ब्रीफ नहीं किया, या आपको जानकारी नहीं है, या आपको जानकारी आप उसको वैसे ही बताना नहीं चाहते जैसे पुलिस का पक्ष आपने नहीं दिखाया, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने नहीं दिखाया। पुलिस का पक्ष मैं दिखाऊं, क्या रिपोर्ट आई नहीं, मैं ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का पक्ष दिखाऊं कि बलात्कार हुआ ही नहीं, ना विशाखा गाइडलाइंस पता है आपके ADG लॉ एंड ऑर्डर को, वो क्या कह रहे हैं, वो यहाँ पर यह बता रहे हैं कि नहीं बलात्कार नहीं हुआ है। संदीप भाई, वो ADG लॉ एंड ऑर्डर है आपके, स्टूडियो में बैठ के देखिए देखिए, अगर आप सीधे ऑर्डर जारी करना चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ, आप बोलते रहिए। नहीं 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 नहीं, मैं सवाल उठा रहा हूँ, यही सवाल जब आप ADG लॉ एंड ऑर्डर के पास जाता है, आपका रिपोर्टर जाके उनके मुंह में माइक लगा, सुन लीजिए, मुंह में माइक लगाता है और पूछता है कि साहब ये बताइए कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई कि नहीं आई। उन्होंने बताया आ गई। संदीप भाई, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कल मुख्यमंत्री को दी है, ADG लॉ एंड ऑर्डर पहले से ही प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की मीडिया की जो विपक्ष से सवाल करता है ना कि सरकार से, यानी कि गोदी मीडिया की। देखते हैं वह किन मुद्दों में व्यस्त थे। पहले बात करते हैं Republic TV के पत्रकार अर्नब गोस्वामी की और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को अपनी डिबेट के जरिए उठाया। पहला, हाथरस पर मातम नहीं मजाक कर रही है कांग्रेस। दूसरा, सुशांत केस में विजय दिवस जल्द। तीसरा, कल सुशांत के लिए इंसाफ का दिन। चौथा, हाथरस की बेटी की चिता पर सबसे घिनौनी साजिश का पर्दाफाश। और पांचवा, SSR के इंसाफ के लिए शहर शहर आंदोलन। अर्नब कुछ दिनों से एक ही मुद्दे पर व्यस्त थे, सुशांत सिंह राजपूत के। इसके अलावा वह जब भी कोई मुद्दा उठाते हैं उसमें विपक्ष पर ही सवाल उठाते हैं। क्या इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया, ये देखते हैं। देशवासियों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो हुआ वो मानवता के लिए बहुत बड़ा धब्बा है, कलंक है दोस्तों। जो लोग एक बेटी के चिता की राख में भी अपना मुनाफा और राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं, आज हम ऐसे सबूत लेकर आए हैं
जो साबित करेंगे कि हाथरस की घटना का राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस ने दलाली की, और दलाली किसके साथ की? अपने प्रायोजित मीडिया चैनल्स के। देशवासियों, हम पहले ही शक था मुझे। अब बात करते हैं जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी की, और जानते हैं कि उन्होंने अपने शो में किन मुद्दों को जरूरी समझा। पहला, आजाद भारत में सबसे बड़े सरनेम घोटाले का विश्लेषण। दूसरा, काशी विश्वनाथ को मजहबी अतिक्रम से मुक्ति कब। तीसरा, हाथरस गैंगरेप केस से जुड़े कुछ अहम वीडियोस। चौथा, हाथरस की बेटी के साथ मौत के बाद भी अन्याय। और पांचवा, बाबरी विध्वंस के सच का विश्लेषण। सुधीर चौधरी अक्सर या तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं या फिर विपक्ष को टारगेट करते दिखते हैं, पर सरकार से सवाल वो भी नहीं करते। तो शुरुआत में लड़की ने रेप की बात नहीं कही थी, बाद में लड़की ने जब रेप की बात कही तो पुलिस ने रेप की जो धाराएं हैं उन्हें भी FIR में जोड़ लिया और फिर गिरफ्तारी भी की, यानी बाद में पुलिस हरकत में आई है। इस मामले में अभी कई सवालों का जवाब बाकी है, और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमने आज हाथरस के उसी भूलगढ़ी गांव से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है जहां इस बेटी के साथ ये हिंसा हुई थी। फिर हम आपसे ये कहना चाहते हैं, पूरा देश और मीडिया भी, पुलिस भी, प्रशासन भी इस बात पर उलझे हुए हैं कि रेप हुआ था या गैंगरेप हुआ था, रेप हुआ था या रेप नहीं हुआ था। हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा ये है इस लड़की के साथ हिंसा हुई है, इस लड़की के साथ मार पिटाई हुई है और इस लड़की के साथ अत्याचार हुआ है। रेप नहीं हुआ तो रेप करने की कोशिश जरूर हुई है, और इस तरह से हुई है कि बाद में इस लड़की की मौत हो गई, क्या ये काफी नहीं है? खैर, देश में काफी समस्याएं हैं जो घट रही हैं, और मीडिया जैसे हाथरस में सक्रिय दिखाई दे रहा है, वैसे ही अगर अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करें तो शायद भारत को दोबारा सही स्थिति में लाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे TV। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.